अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जी, आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो चाइनीज़ डिश है, चिकन मंचूरियन। यस, हर एक की फेवरेट। ये तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि चिकन बोनलेस आपने ले लेना है, बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं आपने, ठीक है। इसमें पानी बेशक ना हो। अब हम इसमें डालने लगे हैं, मैरिनेशन करना है। पहले हमने 2 से 3 चम्मच हैं सिरका डालेंगे हम इसमें, और सोया सॉस है, फिर नमक है, और चाइनीज़ नमक होगा इसमें, काली मिर्च होगी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन करके रख देना है। और इसके बाद हम बाकी अपनी जो वेजिटेबल्स हैं जो इसमें डालेंगी, ये ऑनियन है और शिमला मिर्च है और एक छोटा सा टमाटर मैंने लिया है, ठीक है। तो जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स करेंगे और जब तक मैं इसको मैरिनेशन करके रख देती हूँ, ठीक है। तो जितना आप इसे मैरिनेशन करके रखेंगे, ये उतना ही बोटियाँ जो हैं इसकी छोटी छोटी सी बहुत टेस्टी बनेंगी। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो ये तरीका है बहुत ही इजी एंड क्विकली है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बहुत सी चाइनीज़ डिशेस आपने खाई होंगी, लेकिन जो चिकन मंचूरियन है ये हर एक की फेवरेट है। ये आप चाइनीज़ चावल के साथ या एग फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ आप ये खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है ये जी। तो 15-20 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हमने डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर, और 1 चम्मच हमने इसमें डाला है मैदा जी। अब हम इसे अच्छे से मेरे हाथ के साथ हमने इसको करना है कि एक एक बोटी को ये सारा मटेरियल लग जाए, तो इसके बाद तब मज़ा आएगा। और जब हमने इसको फ्राई करना है तो हमारी जो बोटी है वो अलग अलग होनी चाहिए, ताकि ये जो बोटियां हैं ये आप इसमें जुड़ ना जाए, ठीक है। अब हमने इसे मज़ीद 15-20 मिनट के लिए रख देना है जी। हमारा हो गया है 15-20 मिनट टाइम। तो अब हम इसे ऑयल गरम करेंगे, और ऑयल गरम करने के बाद हमने उसकी जो आँच है वो हमने बिल्कुल लो कर देनी है जी। तो अब अलग अलग हम इसमें बोटियाँ डाल रहे हैं, ये देखें, ये आप इसमें जुड़नी नहीं चाहिए। और आप अगर बच्चों को अलग से ये बोटियाँ दें तो वो इतने खुश हो कि बच्चों ने ये खानी है। और मेरे बच्चे भी बहुत फेवरेट है उनकी, मैं खुद भी इनको बहुत अच्छा लाइक करती हूँ। कभी कभी मूड हो तो ऐसे ही फ्राई करके बच्चों को लंच में दे दें, आप खुद खा लें, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है ये। आप इसे बर्गर में या बाकी चीज़ों में भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको सबको निकाल लेना है बोटियों को फ्राई करके। अब हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया, उसमें हमने लहसुन की 5 से 6 जो इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट के आपने इसको इतना भूनना है कि आपने ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा ऑनियन डालना है, इसमें चम्मच लाना है। जब आपको लहसुन की खुशबू प्यारी सी आने लगे, इसके बाद आपने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। आपने ज़्यादा इनको भूनना भी है। तो जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे तो हमने बाकी जो वेजिटेबल्स हैं हम इसमें ऐड करेंगे। शिमला मिर्च और टमाटर मैंने छोटा सा लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। और इनको ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, इसलिए कि हमें जो जो चाइनीज़ होते हैं इसमें जो खड़ी खड़ी जो वेजिटेबल्स हैं ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास चिकन की यखनी है, मैंने उसमें भी नमक डाला है। ये हमने जो है एक छोटा कप कह लें या छोटी जो कोली सी होती है, प्लेट होती है, वो हमने लहसुन का जो लहसुन जो गार्लिक केचप होती है वो हमने डालेंगे, और 1 कप भर के हमने टमाटो केचप डालना है, ठीक है। ये देखिए, पहले मैंने गार्लिक केचप डाली थी, अब मैंने टमाटो केचप डाली है, ठीक है। ये बहुत जल्दी जो है रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, जल्दी बनने वाली। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद मेरे पास चिकन स्टॉक पड़ा था, मैंने 2 से 3 कप वो मैं इसमें ऐड करूँगी, ताकि अच्छी से हमारी ग्रेवी बन जाए। और चिकन स्टॉक अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैंने इसमें ये ऐड कर लिया है जी। जैसे ही 2 से 3 मिनट हमने इसको उबाला दिलाना है, फिर इसके बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लोर जी 1.5 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने पानी में ऐड करके वो हम इसमें डालेंगे, ताकि जो हमारी ये ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए, ठीक है।
ये देखिए मेरे पास चिकन स्टॉक था, मैंने इसमें ये डाल दिया कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छे से मिक्स किया और जैसे ही उसको दो से तीन उबाले आएंगे ग्रेवी को, हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ऐड की है, इसलिए कि ये ज़रा हम लोग स्पाइसी खाते हैं। आप लोगों का अगर दिल करे तो आप भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। हर एक अपने टेस्ट के मुताबिक ही बनाते हैं, तो जो मैंने मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड के टेस्ट है, मैं उसके मुताबिक बना रही हूँ। ये देखिए इसमें आ गया है, दो से तीन उबाले आ गए हैं। अब हम चूँकि चिकन स्टॉक मेरा पहले ही ज़ाहिर है पका हुआ था, तो इसलिए मैंने इसमें इतना ज़्यादा नहीं पकाया, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना शुरू किया है ताकि हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और गाढ़ापन भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही करना है। और जो मेरी ये छोटी छोटी जो थी वो मैं अब इसमें चिकन की वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, लेकिन याद रहे कि ये आपने तब ऐड करनी है जब हमारी ये ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। अगर हम पहले ही इसमें वो ऐड करेंगे तो फिर इस तरह जो चिकन है वो उसका जो अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब ऐसा है। और इसकी एक और अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपने चिकन मंचूरियन में जब कॉर्नफ्लोर उस वक्त ऐड करना है जब आपके मेहमान टेबल पे बैठे हों जी, तो फिर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके मेहमानों के आगे सर्व करना है। अगर ये डिश थोड़ी देर के लिए भी पड़ी रहे तो ये गाढ़ी गाढ़ी और गाढ़ी ही होती चली जाती है, इसलिए और टेस्ट भी इसका ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी टिप है आज आप लोगों के लिए, ये उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो ये देख लें, अब मेरी जो ग्रेवी है तकरीबन तैयार हो गई है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसकी खुशबू आ रही है। शिमला मिर्च डालने से तो ज़बरदस्त इसका और भी टेस्ट मज़ेदार हो गया है, ठीक है। अब आप लोग जी, तो बहुत ज़बरदस्त है ये डिश, आप इसे मज़े से खाएं, बेशक राइस के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, वैसे ही चम्मच के साथ खाएं, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।